करता हूं, सबका सहयोग। सुशील कुमार मोदी। सभापति महोदय, मोदी जी ब्रीफली। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी और श्री नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे बाई इलेक्शन में 3.25 साल के लिए राज्यसभा के अंदर भेजने का काम किया है। सभापति महोदय, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि देश में बीजेपी के बहुत कम ऐसे कार्यकर्ता होंगे जिनको इतना मौका पार्टी ने दिया है। मुझे देश के चारों सदनों में रहने का मौका मिला है। मैं 3 बार विधायक, 1 बार लोकसभा, 6 साल तक लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार असेंबली में, 6 साल करीब लीडर ऑफ अपोजिशन काउंसिल में रहने का मुझे मौका मिला है और बिहार के अंदर करीब 12 साल तक उप मुख्यमंत्री के नाते श्री नीतीश कुमार के साथ भी काम करने का मौका मिला है। तो सती महोदय, मुझे पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते भी काम करने का मौका मिला है और मैं आज के अवसर पर इतना ही कह सकता हूँ कि राजनीति में तो कोई आदमी जिंदगी भर काम नहीं कर सकता है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में चाहे तो वो आजीवन कार्य कर सकता है। तो मैं अपना संकल्प व्यक्त करता हूँ कि जीवन के अंतिम क्षण तक मैं सामाजिक कार्य करता रहूँगा। और अंत में एक छोटा सुझाव है मेरा कि जिस तरह से राष्ट्रपति का अभिभाषण दोनों सदनों के सदस्यों की उपस्थिति में होता है, क्या बजट भाषण ये राज्यसभा के लोगों को टीवी पर देखना पड़ता है, तो क्या बजट भाषण भी वित्त मंत्री का ये दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में नहीं हो सकता है क्या? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने पार्टी के नेतृत्व को, मुझे 33 साल तक लगातार राजनीति में रहने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।